नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुगत एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में नोटिफिकेशन आया उसके बारे में। ये नोटिफिकेशन हमारा अध्यापक नियुक्ति को लेकर आया है कि इसमें ज्वाइनिंग किस प्रकार होगी और इसमें उन्होंने कट ऑफ बता दिया है कि जनरल की कट ऑफ कितनी रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ कितनी रहेगी और SC ST की कट ऑफ कितनी इसमें रहने वाली है। पूरा इसमें डिस्कस कर दिया गया है कि आपको जो मिनिमम कट ऑफ है उतनी क्वालिफाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, ठीक है। तो देखिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि अभ्यर्थी द्वारा जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो कागज़ डाउनलोड किए गए थे फॉर्म भरते समय, ठीक है, उन कागज़ों को आप मेंटेन कर लीजिए। जो जो आपने कागज़ लगाए थे वो कागज़ सही होने चाहिए, ठीक है, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कट ऑफ को लेकर, ठीक है। तो कट ऑफ हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पात्रांक 67/06 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार, अब यहाँ पर मेन पॉइंट आपका निकल कर आता है, लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% नंबर लाना है, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% अंक लाना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% मार्क यहाँ पर लेकर आना है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो अनुसूचित जनजाति हैं या महिलाएं हैं या दिव्यांग उम्मीदवार, उनको सिर्फ मानकर 32% मार्क यहाँ पर लेकर आने हैं। इतने मार्क्स लेकर आएंगे उस तब ये कि फाइनल कट ऑफ नहीं है, इतने पर ये पास माने जाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो उनकी कट ऑफ होगी उसके आधार पर सिलेक्शन होगा, ये बात यहाँ पर आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्थांक से कम है, ये आपका है निर्धारित न्यूनतम अर्थांक, यानी कि मिनिमम इतने नंबर होने ही चाहिए, इनसे कम है, उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता। यानी कि जितने इतने से कम जिनके नंबर होंगे इतने परसेंट से, उन्हें इसमें शामिल ही नहीं किया जा सकता और फिर उन्हें परीक्षा में शामिल घोषित होने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये बात आप समझ सकते हैं। अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो आपको 40% अंक लाना है, यानी कि 120 का 40% आप निकालेंगे तो आपके 48 नंबर होने चाहिए अगर आप जनरल के, तो आप पास माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जिससे इसके ऊपर इसके नंबर होंगे तब वो फाइट करेगा, तब पता नहीं इसकी कट ऑफ कितनी जाए, जितनी भी जाए आपकी कट ऑफ जो होगी 70 के आसपास होगी, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। उसके नीचे और चीज़ इन्फॉर्मेशन इसमें देखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही, वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे, वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्थांक से कम है, उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया सकता है, तो हमें पता है, और उन्हें परीक्षा में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक। फिर आप यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है, आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोट की रिक्त भरी जाती है, सबसे पहले भरी जाएंगी अनारक्षित कोट की सीटें। अतः यदि अनारक्षित कोट की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोट की योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है सभी आरक्षित कोट के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोट की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोट की रिक्ति खाली रह जाएगी, इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगी, अर्थात ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा। अब इसका मतलब हम क्या हो रहा है हम आपको बता रहे हैं, जो मान लीजिए अनरिचेबल कैटागरी की होती है और SC ST मान लीजिए कैंडिडेट हैं, OBC हैं, अब देखिए मान लीजिए ये लोग अगर सारे लोग जो हैं इनकी कट ऑफ लग जाएगी, ये कट ऑफ यहाँ तक ले आते हैं, यानी कि अपने नंबर जो हैं वो जनरल के बराबर ले आते हैं, तो ये तो इनकी सीटें सारी हो जाएंगी खाली। क्यों खाली हो जाएंगी? सब जैसे मान लीजिए जनरल की कट ऑफ गई है मान लीजिए 70 और SC ST की गई है टॉप 60, ठीक। ये जो स्टूडेंट था वो स्टूडेंट नंबर लेकर आया है मान लीजिए 80, जो यहाँ के स्टूडेंट थे सारे वो नंबर लेकर आ गए मान लीजिए 80 नंबर लेकर आए हैं ये लोग, तो अब ये इसमें नहीं जाएंगे, डायरेक्ट सीट ले जाएंगे ये जनरल की, यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर अगर कोई छात्र नहीं है तो इसकी कोई कट ऑफ घोषित ही नहीं की जाएगी, ये इनका कहना है। ये बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होगा अगर SC ST वाले या उससे नीचे वाले ऊपर अगर जाएंगे तो नुकसान जनरल का यहाँ पर होने का साफ साफ आप देख सकते हैं, इसमें नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया है। उसके बाद इसमें देखे दिया गया है,
साथ ही अनारक्षित कोट की अंतिम रिक्त पद आरक्षित कोट के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक कट ऑफ हो जाएगा, जितने नंबर पाएंगे भी हो जाएगा कट ऑफ। यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोट का न्यूनतम अर्थांक भी हो सकता है जो स्वतः जो स्पष्टता अनारक्षित कोट के न्यूनतम अर्थांक से कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये नोटिफिकेशन आपका था जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।